एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ। सो जैसे कि हमारे जादुई प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहे हैं, डे वन से हमने स्टार्ट किया है। अगर आप भी आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो डे वन से प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आज के डे पे आइएगा। आज डे 13th है और आज के डे में हमारे जो ड्रीम्स है, ठीक है, अब तक तो हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है। हर एक लोगों को ग्रैटिट्यूड दे दिया है हमने, थैंक यू बोल दिया है। आज से हम हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे ड्रीम्स को लेकर करेंगे, जो हमारे डिज़ायर्स हैं उनको लेकर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टास्क है वो स्पेशली मेरे लिए फेवरेट है। आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे फेवरेट है, लेकिन ये वाला मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है। ये प्रैक्टिस मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये प्रैक्टिस ही इस तरीके से हैं कि मेरे जो डिज़ायर्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मुझे मिल चुके हैं। और ये बातें तो सुनकर ही आपको भी अच्छे लग रहे होंगे कि आप जो इतने टाइम से चाह रहे हो वो आपको मिल चुका है। सो प्रैक्टिस क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लीजिए। देखिएगा प्लीज़, जो पहले के पॉइंट्स है वो आपने कॉपी नहीं किया हो, नए नए चीज़ें लिखिएगा। 10 चीज़ों के बारे में आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। अब 10 चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होने के बाद हम हमारे प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। हमारे प्रैक्टिस में हम ये करेंगे, 10 चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 चीज़ें, ठीक है। तो 10 चीज़ें हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक जर्नल ले लेंगे, पेन बुक ले लेंगे। प्लीज़ कंप्यूटर पर मत कीजिएगा, अपने बुक एंड पेन पर ही लिखिएगा, या मोबाइल पर नोटपैड पर नहीं करना है हमें। बुक एंड पेन आपने ले लिया है, इसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए, आप जो चीज़ चाहते हैं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उन चीज़ों के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। नहीं, अब वो नहीं लिखना है कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, नहीं। हमें लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर होम, थैंक यू यूनिवर्स फॉर कार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एक्स वाई जी ट्रिप, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है, जो 10 चीज़ें आपको चाहिए वो 10 चीज़ें आपका आपको मिल चुका है, उस हिसाब से लिखना है कि आपको मिल चुका है और आपने लिखा है थैंक यू, ठीक है। आपने लिखा है थैंक यू, मुझे मिल चुका है। तो आप नंबर वन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये सिर्फ थैंक यू नहीं लिखना है, मैंने बोलते टाइम थैंक यू बोला है, तो आपको 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई होम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई ट्रिप, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई एजुकेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई प्रमोशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस। तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उनको 3 टाइम्स थैंक यू बोलकर आपको लिखना है 10 चीज़ें कि वो आपको मिल चुकी हैं। सेकेंड पार्ट क्या करना है, ये आपने फर्स्ट लिख लिया है। सेकंड आपको अपने माइंड में क्वेश्चन करना है कि आपको जब ये चीज़ मिले हैं तब आपको कैसा फील हुआ है। तो मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, ये 3 क्वेश्चन हर एक चीज़ के ऊपर, आपका जो भी 10 डिज़ायर्स आपने लिखे हैं, थैंक यू मुझे ये मिल चुका है, तो उन चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, थैंक यू फॉर मनी, ठीक है। तो अब इसके बारे में 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे, अपने माइंड में पूछेंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने आप से पूछेंगे और आपका अपना जो इनर सेल्फ है वही आपको जवाब देने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, जब मुझे ये जो भी आपके डिज़ायर है नंबर 1 पे, वो जब आपको मिला आपको कैसा फील हुआ, आप कैसे फील आपकी थी जब आपको मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट से पूछा। सेकंड क्वेश्चन आप फर्स्ट आइटम से पूछेंगे, फर्स्ट डिज़ायर से पूछेंगे कि जब ये चीज़ मुझे मिल गया मैंने सबसे पहले किसको बताया। जब भी ऐसा होता है ना, एक स्पेशल पर्सन, जब भी हम कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम किसको बताते हैं, ठीक है। एक पर्सन होता ही है कि तुरंत एकदम फ़ोन लगाया है, पास गए और बता दिए, जैसे कि मेरी मम्मी है ना।
तो जब हम कोई चीज़ हमें चाहिए होता है तो मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ मैं क्या सोचूंगी कि मैंने मेरे मम्मी को बताया, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। तो ये चीज़ एक पर्सन होता है जिसको हम सारी बातें बताते हैं, सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि हमारी फीलिंग कैसी थी, सेकेंड क्वेश्चन हम सबसे पहले किसको बताएं और किस तरीके से बताएं, किस तरीके से बताएं ये, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि जब आपने ये चीज़ आपको मिला, जो आपकी जो डिज़ायर है वो चीज़ आपको मिला, उसके बाद आपने उसके साथ सबसे पहला क्या किया। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा वो मनी है, ठीक है। तो मनी मिलते ही मैंने सबसे पहला क्या किया, यूज़ में मैंने क्या लाया, क्या किया उसके साथ, ठीक है। मे बी मैंने शॉपिंग किया, या मैंने इन्वेस्ट किया, या मैंने कहीं ट्रिप पे चली गई मैं, या मैंने कोई चीज़ खरीद ली। तो कुछ तो मैं करूँगी ना, अगर मैं मनी चाह रही हूँ कि मुझे मनी मिले, तो मेरा कोई बिल रहेगा जो मुझे पे करना है, मुझे कोई चीज़ खरीदना है, मुझे कार लेनी है। तो कोई चीज़ के लिए मैंने वो चीज़ क्या किस में यूज़ किया वो मैं दिखाऊंगी, वो चीज़ मैं क्वेश्चन करूंगी। तो ये मैंने फर्स्ट चीज़ के लिए बोला। सेकेंड चीज़ थैंक यू फॉर, मैंने क्या बोला था, थैंक यू फॉर होम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर होम, जब आपके पास आपने अपने घर खुद का खरीद लिया है तब आपका फीलिंग कैसा है ना, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, एक सक्सेस फील होगा कि इतने दिन से मैं जो चाह रही थी वो मैंने अचीव कर लिया है, तो एक सक्सेस फील होगा। सेकेंड, जब आपने घर बुक हो गया है, आप किसको फ़ोन लगाएंगे, किसको बोलेंगे कि मेरा मेरा घर मेरे नाम पे हो गया है, या मैंने मेरे घर एक खरीद लिया है। तो ये सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़, जैसे ही आपका घर आपके नाम पर हो जाता है या आपने एक घर खरीद लिया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, और आप उस समय क्या कर रहे हैं अपने घर पे, क्या कर रहे हैं, क्या फर्नीचर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो ये तीन चीज़ें, हर एक 10 क्वेश्चंस में हर एक तीन चीज़ें, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आप पूछेंगे, ठीक है। ये दो चीजें आपने कर ली। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी 10 डिजायर्स हैं उनका एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड में आपने मैगजीन से या गूगल से या पिंटरेस्ट से आपने ऑनलाइन में सारे फोटोज कलेक्ट कर लिए, आपके डिजायर से रिलेटेड आपने कलर प्रिंट आउट कर लिया, कटिंग करके एक चार्ट पेपर पर आपने स्टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आपने स्टिक किया है, इसे एक विजन बोर्ड नाम दिया है हमने, लेकिन सबसे जो ऊपर रहेगा ना, सबसे ऊपर जो जगह रहेगा वहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि हमें ये मिल चुका है तो उन चीज़ों के लिए हमने थैंक यू लिखा है, ठीक है। तो हमने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इस समय हम क्या करेंगे, इस जगह ये जो विजन बोर्ड आपने बनाया है, ये विजन बोर्ड ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर आप डेली बेसिस पर उस विजन बोर्ड को देख सके, उन सारे फोटोज़ को देख सके और अपने मन में थैंक यू बोल सके, ठीक है। जितना आप उस विजन बोर्ड को देखेंगे, उसके पिक्चर्स को देखेंगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में ये आता चला जाएगा। अब प्लीज़ इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं तो डेली 5 दिनों से कर रही हूँ या 1 महीने से कर रही हूँ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये चीज़ मुझे मिल चुका है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये लास्ट है जो आपने किया है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस है, सोने से पहले बस इसे कर लेना है, ठीक है। अब प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा, लाइक डे 1 डे 2, डे 2 में ये प्रैक्टिस बताई गई है, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करें तो डे 1 से प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट इस वीडियो पर देख के प्रैक्टिस नहीं करना है। स्टार्टिंग से हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई होते चली जा रही है, डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसीलिए लाइन वाइज जाइएगा, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग। एंड यस, मेरे फ्री मेडिटेशन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मैंने ग्रुप लिंक भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने रखा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली बेसिस पर आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है लिंक आपको, तो 9167917644 पर आप इसे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ऐड होना है मेरे ग्रुप पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल के प्रैक्टिस में मिलते हैं, बाय बाय।